एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइन पर। नागपुर के बाजारों में दिवाली पर खरीदारों की उमड़ पड़ी है भीड़। विदर्भ में रोज बिक रहा है 100 किलो सोना। नागपुर के वाहन चोरों का पर्दाफाश। देखते हैं आप खबरें विस्तार से। दीपावली पर बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी है। गुरुवार को आ रहे पुखे नक्षत्र को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। शहर में व्यापारियों को कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई इस दीपावली पर पूरी होती दिखाई दे रही है। शहर के गारमेंट्स, ज्वेलरी और ऑटोमोबाइल्स डीलर्स के अनुसार कोरोना के कारण हुए नुकसान की भरपाई इस दिवाली में हो जाएगी, ऐसी उम्मीद दिखाई दे रही है। वाइल्ड फोर्स के संचालक रघु प्रसाद के अनुसार त्योहारों में हैंडलूम कपड़ों की मांग काफी बढ़ जाती है। ग्राहकों में भी खरीद को लेकर काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। लोग दीपावली के साथ ही शादी ब्याह के लिए भी ज्वेलरी खरीद रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले साल के नुकसान की भरपाई के आसार इस साल दिखाई दे रहे हैं। लोग त्योहारों के साथ ही शादियों के लिए भी खरीदारी कर रहे हैं। तनिष्क नागपुर के संचालक विलास काले के अनुसार ज्वेलरी मार्केट में ग्राहकों की काफी अच्छी भीड़ दिखाई दे रही है। सराफा व्यापारियों के लिए यह दिवाली काफी अच्छी रहेगी। मार्केट में ट्रेडिशनल और हैवी लुक वाले ज्वेलरी की मांग बढ़ी हुई है। इसके साथ ही ऑटोमोबाइल में दोपहिया के मुकाबले चार पहिया वाहनों की मांग काफी अच्छी है। मार्केट सेंटीमेंट अच्छा बना हुआ है। बुकिंग्स और इंक्वायरी काफी आ रही है। दूसरी खबर, कोविड के बाद बिना प्रतिबंधों के मनाई जा रही दिवाली से पूर्व शहर के बाजार सोने से दमकने लगे हैं। लोगों में सोना खरीदने की होड़ सी लग गई है। धनतेरस तक सोने की मांग आम दिनों के मुकाबले दोगुना बढ़ गई है। सराफा सूत्रों के अनुसार विदर्भ में रोजाना 100 किलो और नागपुर में 50 किलो से ज्यादा सोने की खपत हो रही है। अकेले धनतेरस के दिन शहर में 600 से 700 किलो सोने की बिक्री होगी, ऐसी उम्मीद दिखाई दे रही है। उसी प्रकार सोने के सिक्कों की मांग भी बढ़ जाती है। दिवाली के पहले खरीदारी के लिए 28 अक्टूबर को पुखे नक्षत्र उदय हो रहा है। इस दिन पुखे नक्षत्र के साथ तिथि, वार और ग्रहों से मिलकर 5 शुभ योग बन रहे हैं। इस शुभ योग में की गई खरीदारी शुभ रहेगी। इस मुहूर्त में ज्वेलरी, वाहन, फर्नीचर, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और घर के सजावटी सामानों की खरीदारी की जा सकेगी। व्यापारियों का कहना है कि इस साल ग्राहक ज्वेलरी की मांग ज्यादा कर रहे हैं। त्योहारों में भी सोने के दाम में स्थिरता बनी हुई है। भविष्य में दाम बढ़ने की संभावना के चलते लोग खरीदी कर रहे हैं। लोग क्षमता के अनुसार ज्वेलरी और सिक्के भी खरीद रहे हैं। तीसरी खबर, नागपुर के अपराध शाखा पुलिस विभाग के यूनिट 5 ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोपहिया वाहनों की चोरी करने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया है। उसे सूचना पत्र देकर छोड़ा गया है। गिरफ्तार आरोपियों से 27 मोटरसाइकिल सहित करीब 9,90,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। इस गिरोह का नागपुर जिले के अलावा विदर्भ के अन्य जिले में भी नेटवर्क फैला होने की जानकारी सामने आई है। इस गिरोह में 3 टीमें काम करती है। एक टीम मोटरसाइकिल चुराने का काम करती, दूसरी टीम चोरी की मोटरसाइकिलों को अपने ही साथियों से खरीदने की नौटंकी करती है। तीसरी टीम फर्जी दस्तावेज बनाकर चोरी की मोटरसाइकिलों की विदर्भ और मध्य प्रदेश में ले जाकर बेचने का काम करती थी। इस गिरोह के पकड़े जाने से मोटरसाइकिल चोरी के कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद की जा रही है। अपराध शाखा पुलिस यूनिट की 5 के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मुकुंद सालुंखे व सहयोगियों ने इसकी कार्रवाई की है। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहे और देखते रहे एमएनएस न्यूज लाइव। नमस्कार।